हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं हम ये मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप राजमा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर दिया था। तो सबसे पहले हम राजमा को बॉईल करेंगे। तो मैंने राजमा को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें डालेंगे हम 5 से 6 कप पानी, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 2 तेज़पत्ते डालेंगे, 1 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची डाल देंगे। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगाकर हम इसमें 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब तक हमारा राजमा बॉयल हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए, ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें डाली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, प्याज का कलर हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हमें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, लहसुन अदरक को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून छोले मसाला लिया है। अब ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे काफ़ी ड्राई हैं, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है। और अब पानी ऐड करने के बाद हमें इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, ताकि मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन जाए। तो देखिए, हमारे मसाले को भुनते हुए मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी। अच्छे से मिला लेंगे इसको मसाले में। और अब हमें मसाले को 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, जब तक टमाटरों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको हम कवर करके लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देते हैं। इधर हमारे राजमा भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम अपने राजमा को तैयार किए हुए मसाले में डाल देंगे। तो देखिए, मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। राजमा ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं, उनका पूरा फ्लेवर हमारे राजमा में अच्छे से आ जाए। तो देखिए, राजमा को पकते हुए लो फ्लेम पर 12 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ, जिसको मैंने स्प्लिट कर लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको मैंने हल्का सा तवे पर रोस्ट करके हाथ से क्रश कर लिया है। और काफ़ी सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए, हमारे राजमा को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और हमारा राजमा बनके एकदम रेडी है, जिसको हम सर्व करेंगे। तो साथ में बनाइए इसके आप ज़ीरा राइस, इसको ज़ीरा राइस के साथ एंजॉय कीजिए। तो ट्राई ज़रूर करें ये मज़ेदार से पंजाबी स्टाइल राजमा मसाला की रेसिपी को। और ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।